हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में नमस्कार। मैं नीता दत्ता सर आज आप लोगों को एक प्लेन चिकन बनाने के लिए दिखा रही हूँ। इसमें हमने 300 ग्राम चिकन लिए हैं। इसके बाद छोटा दो प्याज के चॉपर कर लिए हैं, ठीक है। और इसमें एक चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्चा, आधा टेबलस्पून धनिया, जीरा और इसमें मिला लिए हैं। और मिलाए हैं 4 चम्मच दही में, हम सारा को मैरिनेट करके मिला के रखे। और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्चा, अब इसको 1 घंटा पहले हमने मैरिनेट करके रखे। इसमें 1 बड़ा चॉपर टमाटर लिए हैं और 1 छोटा सा प्याज को इस तरह कटे 5-6 कली लिए हैं। 1 छोटा सा अदरक जो है, अदरक को हमने ये करके रख दिए हैं। और हल्का सा हमने इस जगह थोड़ा सा लहसुन है, लहसुन को भी थोड़ा कूट लिए। और इसमें 2 आलू लिए हैं, 2 आलू को फ्राई किया। और ये मेरे मसाला छौंकने का, इससे ही हमने प्लेन चिकन बनाई। देखिए आप लोग अंत तक हम कैसे बनाते हैं। हमने कढ़ाई गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिए और इससे हमने 4 चम्मच तेल डाले। तेल मेरा गरम हो गया। अब इसमें गरम मसाला, जीरा, तेजपत्ता और ये सूखा मिर्चा ये डाल दिए। अब ये हो गया, लाल हो गया मेरा, ये पर्पल हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, चॉपर किए हुए प्याज को डाल देंगे। चॉपर किए हुए प्याज को डाल देंगे और लहसुन को डाल देंगे। छोटा छोटा लहसुन काटे थे और इसमें 3 मिर्चा डाल देंगे। ये हल्का हल्का, देखिए ये मेरा लाल होने लगा, एकदम ये लाल होने लगा, देखना है। अब ये हो गया। अब इसमें हमने अदरक डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर चॉपर करके रखे थे उस टमाटर को हमने इसमें डाल देंगे। और हरा वाला जो लहसुन है उस लहसुन को हमने इसमें डाल देंगे। अब इसको मसाला को हमने फ्राई कर देंगे। 2 सेकंड के लिए मसाला को फ्राई करेंगे। फ्राई हो गया। अब जो मसाला बना के रखे थे उस मसाला को हमने इसमें डाल देंगे। और इससे 1 चम्मच थोड़ा कम नमक और हल्का सा इसमें थोड़ा सा 2 चुटकी चीनी। चीनी देने से क्या होता है, इसमें कलर आता है। और जो कटा हुआ चॉपर प्याज है उसको डालकर हमने अब 5 मिनट तक हम मसाला को फ्राई करेंगे। देखिए मसाला मेरा फ्राई हो गया। अब जो चिकन है, अब चिकन को हम डाल देंगे। चिकन को डालकर हमने फिर इसको हल्का आंच में इसको फ्राई करें। अब देखिए मसाला फ्राई हो गया था, तो उसमें हमने जस्ट तुरंत अभी चिकन को डाल दिए हैं। अब चिकन को 5 मिनट के लिए हमने फ्राई होने के लिए ढक। अब देखिए इसको उठा के देख, हाँ देखिए कितना सा तेल छोड़ दिया। अब इसमें ये 4 आलू था, 4 आलू को डालकर, ये देखिए अब 4 आलू को डालकर 2 मिनट इसको भी पका लेते हैं। अब इसमें हो गया आलू भी। अब इसमें जो मसाला का पानी था सिर्फ उसको हम इसमें डालेंगे और इसको ढक के कुछ देर के लिए पकने देंगे। लीड हटा के देख रहे हैं, हाँ देखिए कितना अच्छा मेरा रसदार कम मसाला वाला चिकन तैयार। अब इसमें हमने गरम मसाला मिला के, गरम मसाला में इलायची, लौंग, दालचीनी, इतना गरम मसाला उसको हमने मिक्सी में कूट के रख दे तो वही 1 चम्मच दिए। अब ये मेरा तैयार हो गया। अब हम गैस को ऑफ कर दे रहे हैं। दोस्तों मेरा कम मसाला में प्लेन चिकन आप लोग को कैसा लगा, पतला एकदम झोल है, गरम भात के साथ खाइए बहुत अच्छा लगेगा। खा के बना के देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।